जय बजरंगबली की। दोस्तों, पति पत्नी के बीच संबंध बेहतर रखने के लिए गणेश जी की पूजा की जाती है और उन्हें गुड़ का भोग लगाया जाता है। ऐसे ही और भी उपाय आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो कि करवा चौथ पे किए जाते हैं। पति की लंबी आयु को बढ़ाने वाला दिन करवा चौथ के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, पति की लंबी आयु की कामना के लिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन सभी सुहागिन स्त्रियां पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और अपने पति की दीर्घायु के लिए देवी माँ से कामना करती हैं। इस दिन महिलाओं के कुछ खास उपाय करने से उनका वैवाहिक जीवन और भी बेहतर हो जाता है और पति के लिए चारों तरफ से तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। दोस्तों, अगर पति पत्नी के बीच प्रेम संबंध बेहतर करना चाहते हो तो करवा चौथ के दिन महिलाओं को गणेश जी को गुड़ का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इससे पति पत्नी के बीच दाम्पत्य जीवन में हमेशा मिठास बनी रहती है। इसके लिए आप अपने घर में मौजूद पूजा मंदिर में बैठ जाएं और गणेश जी की मूर्ति के सामने एक दीपक जलाकर दुर्वा अर्पित करें। दुर्वा यानी कि घास, उसे अर्पित करें और एक कटोरी में थोड़ा सा गुड़ का भोग अवश्य लगाएं और जब दिया अपने आप बुझ जाए तब आप इस गुड़ का प्रसाद के रूप में अब थोड़ा अपने पति को और थोड़ा सा खुद स्वयं ग्रहण करें। इससे दंपत्य जीवन में हमेशा मिठास बनी रहती है। अगर पति पत्नी के बीच झगड़ा रहता है या मनमुटाव रहता है तो इसे छुटकारा पाने के लिए करवा चौथ के दिन झाड़ू की दो सीखों को उल्टा और दूसरी को सीधा क्रम में रखकर इन्हें नीले धागे से बांध करके घर में दक्षिण और पश्चिम के बीच, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा के बीच में जो कोना है या वह जगह है वहां पर आप इसे रख दीजिए। ऐसा करते ही आपको तुरंत अपने वैवाहिक जीवन में सुधार देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका पति आपसे हमेशा प्यार करे और आपको कभी धोखा ना दे तो करवा चौथ के दिन एक लाल कागज पर सुनहरे पेन से अपने पति का नाम लिखें। अब इसे एक लाल कपड़े में दो गोमती चक्र और 50 ग्राम पीली सरसों के साथ रख दें। इस पोटली को छुपा कर रख दें और पूरे एक साल बाद अगली करवा चौथ के दिन इसे बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें। इससे आपका पति हमेशा आपकी बात मानेगा और अगले करवा चौथ पर इस उपाय को दोबारा से करें। दोस्तों, अगर आप अपनी कोई मनोकामना पूरी होते देखना चाहते हैं तो करवा चौथ के दिन गणपति भगवान को गुड़ की 21 गोलियां और दुर्वा के साथ उन्हें भोग लगाएं। ऐसा करने से गणेश जी की आप पर कृपा होगी और आपकी सभी इच्छाएं, जो भी आपके मन में मनोकामनाएं हैं, विशेष मनोकामनाएं हैं, वे सभी पूरी हो जाएंगी। अगर आप धन की वृद्धि चाहती हैं तो करवा चौथ के पूजन के समय गणेश जी को गुड़ के साथ गाय का देसी घी भी अवश्य चढ़ाएं और उसके बाद आप यह सभी चीजें गाय को खिला दें। इससे आपको इतना पुण्य मिलेगा कि आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी और मनचाहा धन भी प्राप्त होगा। अगर आप अपने पति को नौकरी या बिजनेस में सफलता देखता पाते हुए देखना चाहती हैं तो करवा चौथ के दिन साबुत हल्दी की 5 गांठें ओम श्री गणपते नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करते हुए अर्पण कर दें। इससे आपको अपने पति की तरक्की देखने को मिलेगी, चाहे वह नौकरी में हो या व्यवसाय में तरक्की हो। दोस्तों, एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुखी समय और कोई नहीं हो सकता कि उसे पता चले कि उसका पति दूसरी स्त्री के चक्कर में है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके पति का किसी दूसरी स्त्री से चक्कर चल रहा है और वह आप पर ध्यान नहीं दे रहा तो करवा चौथ के दिन 11 गोमती चक्र पर सिंदूर लगाकर इसे माँ दुर्गा के चरणों में रख दे। अब पूजन के बाद इन्हें अपनी सिंदूर की डिब्बी में भर करके छुपा के रख दे। ऐसा करते ही आपका पति दोबारा से आपके आगे पीछे घूमने लगेगा। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करवा चौथ पर पान के पत्ते में सिंदूर रखकर गणेश जी को चढ़ाएं और साथ ही 11 बार ओम रिद्धि सिद्धि विनायक नमः इस मंत्र का जाप करें। अब इस सिंदूर को एक डिब्बी में भरकर रोजाना इस्तेमाल करने के लिए रख ले और जब भी सिंदूर थोड़ा कम होने लगे तब इसमें और सिंदूर मिला ले। ऐसा करने से आपके पति से आपके संबंध बहुत ही मधुर हो जाते हैं। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए करवा चौथ पूजन के समय देवी माँ दुर्गा को पीले और लाल रंग के वस्त्र पहनाएं और ओम
ओम उमा महेश्वरी बाय नमः मंत्र का जाप करें। मंत्रोच्चारण के बाद देवी माँ को चढ़ाए गए वस्त्र को गांठ लगा दें और करवा चौथ के अगले दिन वो वस्त्र कहीं सुरक्षित स्थान पर रख दें और अगली करवा चौथ पर इन वस्त्रों को जल में प्रवाहित करके दोबारा से यही उपाय करें। ऐसा करने से परिवार में सुख समृद्धि और शांति आती है और साथ ही परिवार हमेशा ही सौभाग्यपूर्ण रहता है। अगर आप अपने पति की लंबी आयु और उनके सुरक्षा के लिए करवा चौथ का पूजन कर रही हैं, तो पूजन के बाद सोते समय पति के बिस्तर में थोड़ा सिंदूर छिड़क दें। अब सुबह नहाने के बाद उसी सिंदूर से अपनी मांग भरें। ऐसा करने से पति सही सलामत रहता है और उसकी आयु बहुत लंबी होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय बजरंगबली, जय माता दी, जय जय शिव शंकर।